For more videos on people's struggles, please subscribe to our YouTube channel. बहुत महत्वपूर्ण बात है जो ये महिला संसद हो रही है और मैं तो किसान मोर्चे को बधाई दूंगी कि उन्होंने इसके लिए भी समय निर्धारित किया क्योंकि महिलाओं को अपनी बात कहने अपना हुनर दिखाने का मौका नहीं मिलता है उस संसद में तो 8% 10% ही महिलाएं हैं जो महिला आरक्षण बिल है उसको वो पास ही नहीं कर रहे हैं विधानसभा में ही नहीं है और यहाँ 200 औरतें तैयारी करके आई हैं कि उनको काले कानूनों पर बोलना है बहुत रेलेवेंट बातें बोलनी है और जो महंगाई से पीड़ित हैं उसका भी उन्होंने सीधे सीधे संबंध किया है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम को इन्होंने ख़त्म कर दिया तो ये एक जो उदाहरण है इस बात का है कि आज महिलाओं को कई मामलों में मान्यता नहीं मिलती है मुझे कई मायनों से इसका महत्व लगता है क्योंकि एक तो ये है कि देखिए जब भी हम अपने चुने हुए नुमाइंदे भेजते हैं संसद में तो हम इस उम्मीद से भेजते हैं कि वो हमारी बात आगे सरकार तक रखेंगे है ना और जब मुझे लगता है कि चुने हुए सांसद उस चीज़ में फेल होते हैं तो लोगों के लिए मजबूरी बन गया कि खुद सड़कों पे आएं और खुद अपनी सांसद लगाएं और अपनी बात रखें और दूसरी तरफ ये भी है कि 8 महीने आज हो गए हैं इस पूरी मूवमेंट को और हमारे समाज की स्टेट की आज तक जो त्रासदी रही है कि इतनी बड़ी गिनती में महिलाओं की शमूलियत होने के बावजूद खेती में उनकी लेबर को कभी रिकॉग्नाइज नहीं किया गया और आज पूरी की पूरी एक संसद जहां दूसरी तरफ हम मेन संसद में 33% हिस्से के लिए भी अभी तक लड़ रहे हैं वहां बाहर सड़क पे जो लोगों की संसद चल रही है जन संसद चल रही है वो पूरी की पूरी संसद महिलाओं द्वारा चलाई जा रही है तो मेरा ख्याल मैं इसको एक एक विमेन लेबर को जो रिकॉग्नाइज करने का एक कदम है उसके तौर पर भी देखती हूँ